राज्य के आबकारी विभाग ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपयोग के लिए कलेक्टर रविंद्र ठाकरे के निर्देशानुसार 1 लीटर की बोतल के माध्यम से नागपुर डिस्टिलरी के माध्यम से 2 लीटर हैंड सैनिटाइजर निःशुल्क प्रदान किया है। राज्य के आबकारी विभाग ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपयोग के लिए कलेक्टर रविंद्र ठाकरे के निर्देशानुसार 1 लीटर की बोतल के माध्यम से नागपुर डिस्टिलरी के माध्यम से 2 लीटर हैंड सैनिटाइजर निःशुल्क प्रदान किया है। इस अवसर पर मुंबई के आबकारी राज्य आयुक्त कांतिलाल उमप ने शराब व्यवसायी से सैनिटाइजर उत्पादन करने की अपील की। नागपुर डिस्टिलरी, मेंस एग्रो और रॉयल ड्रिंक्स ने नागपुर में हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसमें नागपुर डिस्टिलरी ने अस्पतालों और पुलिस प्रशासन को 3,000 लीटर मुफ्त सैनिटाइजर देने की योजना बनाई है। पुलिस आयुक्त डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओला सर और मोहन वर्दे, राज्य के आबकारी विभाग के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद सोनोने ने पुलिस विभाग के और ट्रैफिक पुलिस कार्यालय को पुलिस उपायुक्त की 2 बोतल की सूचना दी है। नागपुर शहरामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये COVID-19 या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढत आहे आणि ट्रैफिक कर्मचारी आणि अधिकारी हे चौकाचौकामध्ये काम करत आहे। तर त्या अनुषंगाने नागपूर डिस्टिलरी प्रायव्हेट लिमिटेड या मद्य उत्पादक कंपनीकडून आम्ही जे आहे जवळपास 1,000 सॅनिटायझरच्या बाटल्या तयार करून घेतल्या आहे आणि त्या श्री साडी साहेब DCP ट्रॅफिक यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।